बेटा आप बड़े भारी मांगलिक हैं, इसीलिए पेड़ से शादी तो आपको ही करनी पड़ेगी। Joking, right? मिली है कनन से, महान हस्ती हैं ये। ये भाई साहब कनाडा से आए हैं शादी करने। यंग, स्वीट और हैंडसम सा है, बोलता है संगीतकार है, लेकिन ना जाने कैसे कैसे मुंह से हवा निकालता है और बोलता है ये गाना है। भाई इनका म्यूजिक तो मेरी समझ से बाहर है, बाकी घर वालों की तरह। Turns out that the people tree that I was supposed to get married to, in the first take, I took the 7 rounds. So technically, I got married to the tree. इसके घर वाले सोच रहे थे पेड़ से शादी हो रही है, लेकिन अब हो गई हूँ मैं उनकी बहू। अब बीवी हूँ इसकी, लेकिन ना जाने क्यों मुझसे डरता है, भागता रहता है। भगवान जाने क्यों, दिमाग तो खराब नहीं क्या इसका? तुमने पेड़ से नहीं मुझसे शादी करी है। Yeah, so he's stuck in this really, really awkward situation where he's getting married to this lifelong love of his, and ends up having a Vikram Vetal scene happen with him, and then there's a ghost on his back, and he's got to deal with it. आप मरने से पहले जिंदा थी? नहीं नहीं, मैं तो पैदाइशी भूत हूँ। क्या? क्या? उल्लू हो? वो explain नहीं कर पा रहा अपने family members को actually हुआ हुआ क्या है, और लोग सोच रहे हैं, उसके family members सोच रहे हैं और अनु सोच रहे हैं कि कनन completely पागल हो गया और उसको शादी करनी नहीं है। And that's really hurting Anu, you know, because she really loves him और वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मुझे वापस लेके चलो। कहाँ कहाँ? पेड़ पे। पेड़ तो नहीं है। मतलब? करती हूँ। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस फिल्म में कॉमेडी है, ड्रामा है, प्यार है और एक बैक स्टोरी भी है।